नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नया जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक और नई भर्ती आ चुकी है जो कि सरकारी नौकरी है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। दोस्तों इस भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं, 4 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की। तो दोस्तों 4 मार्च से पहले आवेदन जरूर कीजिएगा, बट उससे पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप कक्षा 10वीं पास है तो आप सभी के लिए एमटीएस की पदों पर भर्ती आ चुकी है, 12वीं पास के लिए सहायक असिस्टेंट के पदों पर भर्ती आ चुकी है, वहीं ग्रेजुएट पास के लिए क्लर्क के पदों पर नई भर्ती आ चुकी है। तो आवेदन शुरू हो चुके हैं, 4 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की। आवेदन करने से पहले दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको भर्ती की पूरी जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार सरकारी भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जिसका नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है नई भर्ती का। दोस्तों यहां पर जो पद जारी किए गए हैं, क्लर्क के पद हैं जिसके लिए ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, सैलरी आपको लगभग 65,000 मिलेगी। वहीं सहायक के लिए 37,000 रुपए महीना सैलरी मिल रही है, 12वीं पास के लिए भर्ती है। एमटीएस के लिए 25,000 रुपए महीना सैलरी मिल रही है, 10वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, भारत के किसी भी राज्य या जिले में आप रहते हैं दोस्तों तो आप सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बाकी सभी जानकारी के लिए आपको सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। दोस्तों हमारी जो नंबर वन वेबसाइट है वो है sarkaritodaynews.com, यहां पर आपको रोजाना सरकारी नौकरियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। वहीं दूसरे नंबर की जो वेबसाइट है वो है neovoltaic.co.in, आज ही वेबसाइट पर जाएं, जानकारी लें और अप्लाई करें। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अलग अलग पदों पर यह भर्ती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टोर कीपर की वैकेंसी है, क्लर्क की है, कुक की है, मोल्डर की है, काफी सारे पदों पर भर्ती है। ठीक है, हम आ चुके हैं दोस्तों सीधा sarkaritodaynews.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के पद हैं, अकाउंटेंट के हैं, स्टोर कीपर के हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के पद हैं, पेंटर के पद हैं, कारपेंटर के हैं, मोल्डर के हैं, कुक के हैं, लाइब्रेरी क्लर्क के हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट के पद हैं। कुल मिला के 119 पदों पर यह भर्ती निकाली गई जो कि ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। जॉब लोकेशन पूरे भारत की है, आवेदन आपको ऑफलाइन करना है बाय पोस्ट ही। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है उसमें केवल आपकी लिखित परीक्षा होगी। सैलरी आपको 18,000 से 81,000 रुपए महीना मिलेगी। उम्र सीमा यानी कि एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, अधिकतम जो है 30 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इस में छूट भी है सरकार के नियमानुसार। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है सभी कैंडिडेट्स के लिए और क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास के लिए भर्ती है। दोस्तों इसके आवेदन जो है आप देख सकते हैं शुरू हो चुके हैं, 4 मार्च तक आपको अप्लाई करना है। यहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन आपके सामने है दोस्तों, भर्ती की पूरी जानकारी यहां पर दे रखी है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन आपसे आवेदन मांगे जा रहे हैं, यहां पर लिंक भी दिया गया है, यहां पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ही नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा, फिर भी कोई डाउट्स या कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।